खबर आपको बता रहे हैं। विनेश फोगाट ने ट्वीट कर बड़ा ऐलान किया है, अपने ओलंपिक मेडल को गंगा में बहाएंगे पहलवान। और ये ट्वीट जो है विनेश फोगाट की तरफ से किया गया है, आज हरिद्वार में गंगा में मेडल बहाए जाएंगे, इंडिया गेट पर आमरण अनशन होगा। और साफ तौर पर ये ट्वीट जो है विनेश फोगाट की तरफ से किया गया है कि अब वो अपने मेडल जो है हरिद्वार में गंगा में बहाएंगे और इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। दो दिन पहले भी सभी लोगों ने जो देखी तस्वीरें, प्रदर्शनकारियों की तरफ से लगातार जो है वो अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस की तरफ से लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया, उनको वहां से जंतर मंतर से हटाया गया। और अब ये ट्वीट विनेश फोगाट की तरफ से सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने मेडल जो है वो गंगा में बहाएंगे और इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठेंगे, अपने ओलंपिक मेडल को गंगा में बहाएंगे। ये कहना है विनेश फोगाट का, जिन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें दो दिन पहले सभी ने देखी, पुलिस की तरफ से लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया, प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाया गया। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अवनेंद्र जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनेंद्र, क्या जानकारी, क्योंकि जो ट्वीट आज हम देख पा रहे हैं विनेश फोगाट का, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपने सभी मेडल जो उन्होंने जीते थे उनको वो गंगा में बहाएंगे, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जो विनेश फोगाट है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है कि आज वो जाकर हरिद्वार में अपने मेडल हैं उनको बहाएंगे और उसके बाद वो दिल्ली के इंडिया गेट आएंगे और यहाँ पर जो है दोबारा से प्रदर्शन शुरू करेंगे। यानी साफ तौर से कहा गया है, खिलाड़ियों ने एक बार फिर से सरकार को चेतावनी दे दी है कि वो अपना प्रदर्शन दिल्ली में जारी रखेंगे। देखने वाली बात होगी, लगातार खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगभग दिल्ली में एक महीने से ऊपर से चल रहा था और जिस दिन संसद भवन का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे थे, उस दिन जो महिला खिलाड़ी थी उन्होंने संसद भवन में कूच करना चाहा। उन्होंने कहा था कि महिलाओं की जो है वो पंचायत होगी खिलाड़ियों की, जिसमें तमाम महिलाएं भी शामिल होने आ रही थी, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने लगभग 100 से अधिक लोगों को भी उस दिन डिटेन किया था। साफ तौर से कहा जाए, उसके बाद जो महिलाओं ने, जो महिला खिलाड़ी थी उन्होंने दिल्ली संसद भवन की तरफ कूच करने की कोशिश की, जिसके बाद महिला खिलाड़ियों को डिटेन कर लिया गया था। साफ तौर से कहा जाए, जो उनके टेंट लगे हुए थे उनको भी दिल्ली पुलिस ने उखाड़ दिए थे, तो वहां से हटा दिया गया था। अब देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से लगातार खिलाड़ियों ने उसी दिन भी कहा था कि हम कुछ भी कर ले दिल्ली पुलिस हमारे साथ, लेकिन हम यहाँ से प्रदर्शन जारी रखेंगे सरकार के खिलाफ, और जो WFI के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह उनके खिलाफ मेरा मोर्चा लगातार जारी रहेगा। साफ तौर से कहा जाए, जिस तरीके से बिल्कुल अवनेंद्र, लेकिन कई लोगों को समर्थक इन पहलवानों को मिला और आज जिस तरह का लेटर सामने आया है, वो ट्वीट हमारे पास भी है और उसको भी अगर हम पढ़ें तो उसमें काफी दुखी जो है विनेश फोगाट नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडल्स का कोई मतलब नहीं रह गया है, कुछ इस तरह की लाइंस हैं। और करीब दो पन्नों का ये ट्वीट है जो उन्होंने, विनेश फोगाट ने किया है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो दुखी हैं। और जिस तरह से उनको समर्थक कई लोगों का मिला, पुलिस प्रशासन उनके साथ था, और आज जिस तरह के शब्द उनके हैं उसको देखकर लग पा रहा है कि उनका साथ, उनके साथ अब कोई नहीं खड़ा। बिल्कुल, देखिए उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अब लग रहा है कि क्यों जीते थे हमने मेडल, ये इसलिए जीते थे कि जो तंत्र है हमारे साथ है, ऐसा घटिया व्यवहार करेगा या महिला खिलाड़ियों को जो दिल्ली पुलिस है वो रोडों पे घसीटेगी। तो साफ तौर से जो लगातार है विनोद फोगाट, उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी घेरने की कोशिश की। साफ तौर से जिस तरीके से दिल्ली पुलिस और जो महिला खिलाड़ी थी उनकी बर्बरता, आपस में जो भिड़ंत हुई थी, सामने आई थी, घसीटते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन किया था, तस्वीरें जो कुछ वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, साफ तौर से कहा जाए जो महिला, अमरिंदर क्या जानकारी है कि कब से वो लोग आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं, कुछ इसके बारे में जानकारी? देखिए अभी तो विनेश फोगाट ने ट्विटर हैंडल से ही कहा है कि वो आगे इंडिया गेट पर बैठ जाएंगे और उनका जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ तौर से चेतावनी DCP हैं उन्होंने दी थी कि अगर पहलवान भविष्य में प्रदर्शन करने आते हैं या आने वाले समय में आते हैं तो ना तो उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाएगी और ऐसे कहीं भी जगह पर नहीं दी जाएगी प्रदर्शन करने की, अगर उन्हें दी जाएगी तो कहीं से। ठीक है, देखने वाली बात होगी अवनेंद्र की आगे किस तरह का माहौल जो है देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। तो विनेश फोगाट की तरफ से ट्वीट किया गया, करीब दो पन्ने उन्होंने ये ट्वीट किया है और साफ तौर पर अपने ट्वीट में उन्होंने कई तरह की शब्दावली का भी इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने कहा है कि जो भी मेडल उन्होंने जीते हैं वो हरिद्वार में बहाएंगे और इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठेंगे।